गाइस, ये पिजन मरा पड़ा है यहाँ। ये पता नहीं कैसे मरा है, हम तो एसी भी नहीं चलाते कि एसी से मरा हो, या फिर यहाँ बिल्ली भी नहीं आती, या तो कि बिल्ली ने मार दिया हो। कैसे मरा नहीं पता, बेचारा सुबह सुबह मरा हुआ मिला ये। क्या हो गया, बहुत सारे पिजन तो बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, उड़कर चले जाते हैं। अब इसको उठाना पड़ेगा, मैं तो नहीं उठा सकती इसको बिल्कुल भी। दीपक इसको उठाकर नीचे लेके जाएंगे, इसको दीपक ले जा रहे हैं नीचे उठा के। मैं तो नहीं उठा सकती, मेरे तो अंदर इतनी जी जान ही नहीं है कि हाथ ही लगा सकूं मैं तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। अभी मैं करने जा रही हूँ एक काम, कई दिन से सोच रही हूँ पर करने का मन ही नहीं कर रहा था। आज करूँगी क्योंकि थोड़ा सा आंधी का सा मौसम हो रहा था तो मन भी नहीं कर रहा था। अभी मौसम आज तो थोड़ा ठीक लग रहा है, शाम तक आएगी तो मुझे पता नहीं। तो अभी करने जा रहे अपना काम। आज हमने कर लिया यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर से साफ। यहाँ पे ना नमकीन डाल डाल के इतने गंदे। मैं तो यहाँ खाता भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ खाता भी नहीं हूँ। उस पे नहीं क्या, मैंने नीचे ही खाता हूँ मैं। अच्छा, जब डालोगे तब बताऊंगी। इसलिए आज मैंने ये निकाला कई दिनों के बाद, इससे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे सारे जो भी इनसे पड़ा हुआ है। और क्या कितने अच्छे हो गए, एकदम साफ साफ हो गए। रैंक क्यों लगा लेते हो, क्यों साथ तो खराब ही तो होना है। तो बाद में खराब होने तो साथ साथ ही खराब हो दोगे। अभी तो मैंने वैक्यूम अच्छे से किया भी नहीं है, थोड़ा सा किया था और बैठ गई थी और फिर से अभी ने वही करना शुरू कर दिया। इस नमकीन के चलते ही तो मैं वैक्यूम क्लीनर से इसको साफ कर रही थी, फिर लेकर बैठ गया है ना। अब आप साफ करोगे, आप ठीक है, सारे सोफे को आप करोगे, रखा हुआ मैंने यहीं। ठीक, ये एक कर दिया है बिल्कुल साफ और ऐसे लग रहा है जैसे ड्राई क्लीन करा दी हो, एकदम क्लीन हो गया है, साफ एकदम। अब ये और करने हैं साइडों के, ये करना है, सब कुछ नीचे घेर दिया, बखेर दिया। वैसे जब घर को साफ करते हैं ना तो अच्छी अच्छी सी वाइब्स आती है सफाई के बाद, ऐसे लगता है घर भी क्लीन क्लीन और ठंडा ठंडा लगता है गर्मी में तो सफाई करने के बाद। अगर नहीं करते ना, जहाँ भी डस्ट पड़ी दिखाई देते हैं, गर्मी सी पता नहीं कुछ अलग सा ही फील होता है, इसलिए मैं तो करती रहती हूँ। ठंड हो चाहे गर्मी हो, पूरे टाइम ही करती रहती हूँ। आई यहाँ कर खेलने लग गया अपनी बॉल से, इसको बोला तो कुछ और था पर ये खेलने लग गया बॉल से, है ना गाइस। और ऑरेंज रखी थी एक अभी घर, एक क्या दो रखी है, तो ये थोड़ी सी खराब हो गई थी एक साइड से, एक साइड की तो मैंने कट करके फेंक दी, एक साइड की ये यूज़ करने लग रही हूँ फेस पर। मैंने पहले भी ऑरेंज से फेस पर ऐसे ही फेशियल की तरह ऐसे मसाज करती रहती हूँ, बड़ा अच्छा सा फेस हो जाता है इसको लगाने से भी। इसमें से जो जूस निकलता रहता है ना, बहुत अच्छा कर देता है फेस को। आप भी ऐसे ऑरेंज से अपने फेस का फेशियल कर सकते हैं और इसमें टाइम भी नहीं लगता, घूमते फिरते करते रहो फेस पर। ये भी नहीं है कि हमें एक जगह टिक कर बैठ कर करना होगा। मेरी फेवरेट जगह वैसे ये है, पीछे आके आराम से करते रहो, हवा भी लगती रहती है, आराम से करो। और अब बस पाँच मिनट करूँगी, पाँच तो मैंने पहले कर ली थी, पाँच मिनट और करूँगी उसके बाद वॉश कर दूँगी। 5 मिनट लगाने के बाद मैंने फेस भी वॉश कर लिया, यहीं पर कर लिया, चेटुट्टी लगी हुई है बाहर के बाहर ही, बढ़िया सा हो गया, क्लीन सा। फ्रेश सा शाइन भी कर रहा है, यहाँ से नोजी भी कर रही है, लगा कर देखना अच्छा है। वैसे मैं जब भी लगाती हूँ ना तो मैंने ऑरेंज के छिलके सुखा रखे हैं, उसमें शहद और दूध मिला कर लगाती हूँ, आज मैंने सीधा ही ऑरेंज को ही लगा दिया। क्रिकेट एकेडमी से आते ही इसने देख लिया आइसक्रीम वाला, अब इसको चाहिए आइसक्रीम आयु को।
दीदी ने कौन सी बोला है? दीदी ने बोल दिया कोई सी भी। कौन सी भी? कौन सी दीदी के लिए? सेम। कितने की भैया? ये 50 की है। ओ 50 की। छोटी की? छोटी की ये 100 रुपीज लेके आया, दो आएगी 50 की। 30 वाली नहीं है? 30 वाली नहीं है, खत्म हो गया। अरे भैया कोई सी तो होगी 30 वाली। 20 वाली चोको वाली ले। 20 वाली ली हमने, ये तीन बस, क्योंकि 100 का मामला है और लेनी तीन है। 50-50 की दो तो आ सकती थी, पर तीन लेनी है तो यही निकलवा दी 20 वाली। हैप्पी हैप्पी रस्ते में से ही बोलते आ रहा था आज मेरे को आइसक्रीम खानी, और ये इतने में ही ये भैया निकलते दिखाई दे गए। ऐसे ही पन्नी में क्या ऊपर जाके लेनी तो ही। थैंक यू भैया। यहाँ पर कट कर दिए हैं कचरे खरबूजे, कोई खरबूजा बोलता कोई कचरा बोलता, हम कचरे बोल देते हैं खरबूजे भी बोल देते हैं। और इनको देख कर आएंगे नीचे, कौन सा देख कर आते, देखते हैं। आयु या चाहत खाने हैं? गाइस 10 बज गए, आयु का ना होमवर्क रह जाता है। एक दिन क्रिकेट जाता है उस दिन इसका रह जाता है, जिस दिन नहीं जाता है उस दिन इसका हो जाता है। तो आज ये क्रिकेट गया था, इसका होमवर्क रह रहा था, अभी करवाया। 10 बजे नहीं है, बजने ही वाले हैं, बस 5-7 मिनट और हैं। और कल नहीं जाएगा, तो कल इसका जो आज बच गया थोड़ा बहुत वो भी हो जाएगा, और कल का भी, कल इसका सारा कंप्लीट हो जाएगा एकदम। फटाफट करता नहीं है ना। चलो अभी बस ये ब्रश करेगा, दूध पिएगा। मैंने अपना दूध पी लिया, ब्रश ही करनी है। इस ब्लॉग को भी कर रही हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे उठना होता है सुबह 5 बजे, तो मेरी नींद फिर पूरी भी नहीं हो पाती आयु के चक्कर में। अगर ये इतनी लेट ना सोए ना, तो मैं 8 बजे ही सो जाऊँ अगर मुझे इसका काम ना कराना पड़े तो। इसलिए इस ब्लॉग को करी बस यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।